अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सुप्रियाकाल आप। तो हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज आ चुके हैं हम लोग हावड़ा के आगे सियालदा की सब्जी मार्केट में है। सब्जी मार्केट दिखाएंगे हम पूरा, तो क्या देखने को मिलता है यहाँ का व्यू, तो आपको भाई ऊपर साहब ऊपर। तो आज का प्लान हम लोग का ये है कि आज हम लोग जाने वाले सियालदा की जो मार्केट लगती है सब्जी मार्केट, उसका ये व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। तो लाइट से जो लगता है, अब भीड़ देखिए आगे, बहुत ही बड़ी ये बाजार। क्या देखो व्यू देखने को मिल रहा है, हर आदमी जल्दी में है, बहुत मतलब भागता रहता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इतनी फास्ट सर्विस है यहाँ की, पता ही नहीं चलते कि लोग यहाँ इतना जल्दी निकल रहते हैं। 100 की स्पीड में चलता है अबे 200 की रहता है यार, देख रहे हो हर आदमी बहुत जल्दी में है ना इस मारे। भाई साहब देख लीजिए किस टाइप का क्राउड देखने को मिल रहा है यहाँ, और फाइनली भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ तो यहाँ लगता है 24 घंटे ही रहती, 24 घंटे का मतलब माहौल ऐसे ही रहता है लगता है, क्योंकि गाइस ऐसा है सिस्टम यहाँ। तो हर तरफ आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी, और आगे दिखाते हैं आपको। बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी तो भीड़ कम हो गई सिंह हम लोग निकले इतने समय, क्योंकि फैजान भाई दो दिन हो गए, आपको कैसा लग रहा है? भाई बहुत लल्लन मज़ा आ रहा है, एक नंबर। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग को हावड़ा हुए दो दिन हो गए हैं, दो दिन से ज़्यादा, हम लोग का आज तीसरा दिन हो गया ये। तो तीसरे दिन में ये पहली वीडियो है हम लोग की, तो आप देख लीजिए किस टाइप का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ से आगे जाएंगे, आगे आपको लोग मुझे दिखाएंगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए फिर साथ में घुमाते हैं आप लोगों को टनल के नीचे, देख लीजिए अभी हम लोग टनल के नीचे हैं, अभी आगे जाएंगे आपको ज़्यादा मज़ा आ रही है, कैसा व्यू देखने को मिलता है तो आपको दिखाते हैं फटाफट। लीजिए ये जूता चप्पल की मार्केट है जो कि सामने देखने को मिल रही है आपको, इस टाइप की पूरा जूता चप्पल दिखाते हैं आपको। तो एक बार यहाँ के प्राइस भी लेते हैं और क्या होता है क्या देखते हैं वो भी। आप चप्पल देख लीजिए, जूते चप्पल बहुत वैरायटी के हैं, एक बार प्राइस लेते हैं और क्या प्राइस होता है वही पूछते हैं एक बार, ठीक है? यार ये क्या हो गया, लगा लड़ाई हो गई भाई। तो गाइस आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का माहौल वेस्ट बंगाल के सियालदा में देखने को मिल रहा है आपको, बहुत ही गजब का व्यू। रास्ता किधर जा रही है अपनी याली साइड? रास्ता जो है ये ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से ये हाईवे की रास्ता है, हावड़ा के लिए जा रही है। अच्छा अच्छा, ये पुल के ऊपर जा रही है, पुल के ऊपर जा रही है। तो गाइस आप देख लीजिए ये रास्ता जो कट गई वहाँ से और ये पुल के ऊपर जा रही है, तो अभी पुल के ऊपर जाते हैं, देख लीजिए आप पुल देखने को मिल रहा होगा आपको। तो आपको पुल दिखाते हैं, तरफ से रास्ता कटी हुई है मतलब ऊपर के लिए, ऊपर के लिए तीन चार तरफ से रास्ता है, देख लीजिए आप दिखाते हैं वो बैक करके है, देख लीजिए तीन चार तरफ से है। अभी जाते हैं ऊपर, चढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट से कि हावड़ा का क्या देखने को मिल रहा है आपको व्यू। तो हावड़ा तो अभी जाना नहीं है क्योंकि अभी सियालदा में है, अभी हावड़ा जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे वहाँ का व्यू, आप लोग किस टाइप को देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं और बस का दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए बस खड़ी है यहाँ, फटाफट से ट्रैफिक चल रहा है। अभी हम लोग हैं बनर्जी रोड पे, तो अभी आगे जाएंगे धर्मशाला, तो वहाँ पर रहेंगे तो देखेंगे क्या है क्या नहीं है, फटाफट पहुँचते हैं। तो गाइस फाइनली अब आ चुके हैं हम लोग धर्मशाला, धर्मशाला पे हैं और धर्मशाला पे अब जाएंगे आगे, आगे देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से आप लोगों को दिखा रहे हैं, हम लोग धर्मशाला पे आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग जाने वाले हैं रानी विक्टोरिया, आप एक से एक व्यू दिखाएंगे रानी विक्टोरिया के अंदर का, अगर दिखा पाएंगे तो। वैसे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है वहाँ पास, तो जाके पहुँचते हैं देखें क्या है सिचुएशन। रानी विक्टोरिया के अंदर आप कैमरा कर लेके जाएंगे तो आपको चलान हो जाएगा, तो इस मारे हम लोग अंदर का नहीं दिखाएंगे, आपको बाहर से दिखाएंगे। तो बाहर से किस टाइप का देखने को मिलता है वो वीडियो अलग आ सकती है, ये ट्रैवल वीडियो है, इसमें आपको ट्रैवल का देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम लोग कलकत्ता में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये भी फुटपाथ है और बाकी आगे रोड है, जो रोड का देख लीजिए बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। और बाहर का अगर आपको इधर का व्यू दिखाते हैं, बहुत आप देखिए यहाँ का व्यू, क्या ब्यूटीफुल सा व्यू है, देखिए प्यारा सी, ये हमारे तरफ का व्यू देख लीजिए और यहाँ का व्यू देखिए, और ये कोलकाता का ट्रैफिक और यहाँ का रोड बड़ा प्यारा बना है, रोड देख के मजा है, व्यू देखिए यहाँ का,
क्या देखने को मिल रहा है आपको। और बहुत अच्छा है यार यहाँ का, मतलब एक अलग सा क्राउड है, अलग सा मज़ा। कोलकाता की बस, कोलकाता का ट्रैफिक और मर्सिडीज़ की लग्जरी कारें, और ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है और इधर ट्रैफिक चल रहा है। देख लीजिए आप कितना स्पीड में ट्रैफिक आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये अपना क्या बनाया सामने, कुछ स्टेडियम टाइप का है तो गाइस पता नहीं है। बाकी आपको वीडियो में अगर कोई भी कमेंट करना है, मतलब कोई भी जानकारी, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अभी हम लोग हैं, देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ हैं अभी हम लोग। और ये एक सामने पार्क जा रहा है, तो यहाँ पर हैं। और यहाँ का व्यू देखिए आप कितना बेहतरीन। ट्रैवल करके दिखा रहे हैं हम लोग कहाँ क्या देखने को मिलता है कलकत्ता में जब आप आएंगे, तो एक से एक प्यारे प्यारे व्यू जो कि आपको देखने को मिलेंगे और बेहतरीन। सामने स्टेडियम है, स्टेडियम की लाइट दिख रही है, देखिए और स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है यहाँ, कोलकाता स्टेडियम होगा। रोड बहुत प्यारी है, एक नंबर की रोड, एकदम प्यारी प्यारी रोड। यहाँ फैजान भाई को मन हो रहा है कि निंजा मिल जाए, लेट आया S2 निंजा लेके। सामने देख लीजिए आप प्यारा प्यारा व्यू देखने को मिल रहा होगा, सब बहुत अच्छा अच्छा नेचुरल, मतलब एक अलग सा है यहाँ। फाइनली ट्रैफिक देख लीजिए आप किस टाइप का देखने को मिल रहा होगा। और ये कुछ प्रदर्शन चल रहा है यार, मुझे नहीं पता किस चीज़ का यार, क्योंकि यार यहाँ की कुछ रहा है बंगाली मुझे समझ में नहीं आती है, और अपन लोग तो बोलते हैं हिंदी। ऑल एयरलाइंस रिएक्शन क्लब, रिएक्शन क्लब, हाँ त्रिभूमि है, त्रिभूमि क्लब भी सामने है। अच्छा सामने है, यही भी है, दोनों क्लब एक साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा एक साथ काम कर रहा है। तो आप कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ, बंगाल। अच्छा बंगाल, नाम क्या होता है? शुक्रिया शर्मा। तो चलते हैं फिर भाई, मिलते हैं आपसे। आप देख लीजिए कुछ यहाँ, जब विक्टोरिया आप आएंगे तो इस टाइप का माहौल देखने को मिलेगा। तो लाइन से यहाँ बग्घी खड़ी हैं आपको देखने को मिल रही होगी, और इनका किराया भी मतलब ज़्यादा नहीं होता है, और आप पूरी फैमिली के साथ अपना एंजॉय कर सकते हैं चार पांच लोगों के साथ। तो भाई किराया क्या होता है अपना यहाँ का? 500 रुपये। तो ये देख लीजिए गाइस 500 रुपये का यहाँ रेट होता है इसका, बग्घी का। कम ज़्यादा भी हो जाता है वो आप अपने पर डिपेंड कर लीजिए, कहाँ तक जाना है कैसे जाना है। तो पूरी बग्घी लाइन से देखने को मिल रही है, विक्टोरिया के जो रोड है उस पर बग्घी देखने को मिल रही है, और ये घोड़ा भी देखने को मिल रहा है यहाँ। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। आपके चक्कर में हम लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों को घुमा रहे हैं, तो अभी ले चलते हैं आपको विक्टोरिया। तो विक्टोरिया का व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा, तो अभी देखना मत भूलिएगा। और देख लीजिए पीछे किस टाइप का व्यू तो आपको देखने को मिल रहा है, तो अभी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ जो कि मतलब अच्छी अच्छी हैं, तो आप कम पैसे से घूम सकते हैं और काफ़ी कम खर्चा पड़ेगा, मतलब आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो देख लीजिए आपको किस टाइप का व्यू देखने को मिल रहा है, घोड़े हैं और हर चीज़ का मतलब मज़ा है। साइड साइड में देख लीजिए आप बग्घी चल रही हैं और पीछे फैजान में चल रहे हैं पैरों से चल रहे हैं भैया। तो काफ़ी हम लोग यहाँ इन्जॉय करा यहाँ, और अभी आपको विक्टोरिया का व्लॉग मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो भी देखना मत भूलिएगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो आपको, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये बादल की जा